को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कौन संविधान को खत्म करना चाहता है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्यों चाहते हैं संविधान को खत्म करना? जिस संविधान के माध्यम से आपको अधिकार मिले, मानव बनाया गया, सरकारी नौकरियां मिली, अच्छे वस्त्र पहनने को मिले, अच्छे घर रहने को मिले, ये सारी सुविधाएं भारतीय संविधान के द्वारा मिली। इससे पहले सारी सुविधाएं आप तक नहीं थी। अब जो दूसरे लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि आप अज्ञानी रहें, आपसे शिक्षा छीनी जाए और आपको मजबूर कर दिया जाए कि आप अज्ञानी रहें। जब आप अज्ञानी हैं तभी वो ज्ञानवान है, आप ज्ञानवान हो जाएंगे तो वो अज्ञानी हो जाएंगे। तो आप ज्ञानवान हो रहे हैं इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो अपना संविधान मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो साथियों, इसलिए हमें इस संविधान को बचाना पड़ेगा। इस संविधान के द्वारा हमें ये कोट पैंट पहनने को मिले हैं, ये जीने का अधिकार मिला है, नौकरी का अधिकार मिला है, उसकी रक्षा के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो साथियों, हम यहाँ पर कम संख्या में जरूर हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने लोग यहाँ आए हैं। उन सबको घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब ने कहा था कि किसी समाज की जो शक्ति है वो इस चीज से नापी जाती है कि उसमें महिलाएं कितनी शामिल हैं, और यहाँ पर एक भी महिला नहीं है। चूंकि आज शिवरात्रि है, महिलाएं तो सारी उधर गई हुई है, तो हमारी आधी ताकत तो बटी गई, तो उस आधी बटी हुई ताकत को रोकने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, अपनी माताओं बहनों को और नारी शक्ति को समझाना पड़ेगा कि असली रास्ता क्या है। साथियों, दूसरी बेवकूफी हम ये करते हैं कि हम हमारा ज्यादा प्रतिशत समाज मंदिरों में जाता है। मंदिर ऐसा ATM है जहां हम बिगड़ बुलाए जाते हैं और वहां पर सारा धन जमा कराते हैं, जो हम चढ़ा कराते हैं उसको पंडित जो आराम से निकाल लेता है। तो वो ऐसा ATM है जिसमें जमा हम कराते हैं और निकालते वो लोग हैं, तो वहां जाकर जाना हमें बंद करना पड़ेगा। दूसरा, हमें आपस में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। जब भाईचारा पैदा होगा तो जो व्यापार है वो सब आपस में हमें करना पड़ेगा। कोई भी कॉलोनी हम बसाते हैं और उसके बीच में व्यापार करने के लिए दूसरे लोग आ जाते हैं, वो दुकानदारी करते हैं और हम देखते रह जाते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में अपनी ही दुकानें खोलनी पड़ेंगी, अपना ही व्यापार कराना बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम ही खरीदें, हम ही बेचें, तब हमारा सुधार हो सकता है। तो साथियों, दुश्मन ने कोई तलवार नहीं चलाई, दुश्मन ने कोई डंडा नहीं चलाया, हमें उसी ही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उसने हमारे संविधान को पढ़ा और हमारे लोगों को गीता, भागवत और तमाम धार्मिक ग्रंथ पढ़ा दिए। तो आज हमारा समाज उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगा हुआ है और उन्होंने संविधान पढ़ा, वो देश के राजा बन गए। तो उन्होंने कोई डंडा नहीं चलाया, इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें भी शांतिपूर्वक तरीके से उस संविधान को जानना पड़ेगा। गाँव गाँव, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हमें संविधान की जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी। डॉक्टर देश राज जी इस काम को कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर महिलाओं को, बच्चों को संविधान की जानकारी दे रहे हैं। ये अकेले ही नहीं, हम सभी को भी ये काम करना पड़ेगा, तब जाके हम सफल होंगे और अपने संविधान को बचा पाएंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि संविधान हमसे छिन जाएगा और वो मनुस्मृति लागू कर देगी। मनुस्मृति में सारे अधिकार उनके पास होंगे और हम मजदूर बन जाएंगे। इस सब के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। साथियों, और बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताने को, लेकिन समय का अभाव है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।